सो दोस्तों गणेश चतुर्थी आने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों का भर भर की कमेंट आ रहा था कि सूरज भाई गणेश चतुर्थी पे ऐसा वीडियो लेकर क्या हो जो कि एकदम कमाल का हो, एकदम बवाल हो। तो दोस्तों फाइनली तुम्हारा भाई लेकर के आ चुका है बहुत ही कमाल का नेक्स्ट लेवल फास्ट ट्रांजेक्शन के साथ गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश जी का डीजे स्टूडियो का ट्यूटोरियल, जो दोस्तों बहुत ही कमाल का और बहुत ही यूनिक होने वाला है। सो गाइस प्रीव्यू आज का बहुत ही कमाल का और नेक्स्ट लेवल होने वाला है। इसमें गाइस जो भी इफेक्ट यूज किए हैं, बहुत सारे इफेक्ट इसमें नए नए यूज किए गए हैं दोस्तों, बहुत ही कमाल के इफेक्ट के साथ आज का वीडियो लेकर के आ चुका है तुम्हारा भाई। तो दोस्तों इसी बात से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका भाई आपको इसी प्रकार का वीडियो सिखाता रहता है एंड दोस्तों आगे भी सिखाता रहूंगा। सो गाइस आज के इस वीडियो को फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए, हम लोग प्रीव्यू देख करके आ जाते हैं इसे कैसे क्रिएट करना है। आपका भाई आपको बहुत ही इजी स्टेप में बताने वाला है, सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसे कैसे क्रिएट करना है बहुत इजी स्टेप में बताऊंगा, ठीक है। सो गाइस फटाफट से हम लोग प्रीव्यू देख लेते हैं, लेट्स गो। तो मेरे भाई लोग कैसा लगा आज का आपको वीडियो एंड स्टेटस मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो आपने स्टेटस देखा है गाइस, बहुत ही कमाल के नए इफेक्ट के साथ फ्लैश इफेक्ट जो कि गाइस प्लिंक कर रहा है, बहुत ही कमाल का और बहुत ही कमाल का एनिमेशन क्रिएट किया गया इसमें गाइस फास्ट ट्रांजेक्शन के साथ। इसमें जो भी एनिमेशन क्रिएट किया गया ना, इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो गाइस एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसे कैसे क्रिएट करना है, किसे क्रिएट करना गाइस बहुत ही आसान है। इसे क्रिएट करने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम गाइस लाइट मोशन। अगर आपके पास लाइट मोशन नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं, वहां पर हमने पिन करके रखा है। एंड दोस्तों इसमें जितने भी फोटो वगैरह यूज होने वाले हैं सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप ले लीजिएगा। एंड दोस्तों उसे ज्वाइन करना भी ना भूलिएगा। तो जैसे कैसे इसे क्रिएट करना है उसके लिए गाइस हमको स्क्रीन पर चलना होगा, तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, लेट्स गो। तो गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा, नहीं तो जो आप ये गणेश चतुर्थी वाला जो वीडियो देखे हैं फास्ट ट्रांजेक्शन के साथ आप लोग को बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो प्लीज गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो अलाइट मोशन है इस प्रकार से ओपन कर लेना होगा, ठीक है गाइस। अगर आपको लॉग इन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो गाइस मैं इस पर वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है, तो आप लोग इंतजार करिए। तो आपको गाइस क्या करना पड़ेगा, आपके सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जो कि सॉन्ग बिट मार्क एंड सेक इफेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, इसका XML फाइल भी आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर के आसानी से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कैसे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस के बगल में प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से सॉन्ग बीट मार्क सेक इफेक्ट नाम का दो प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों इसका इसके XML फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर फटाफट डाउनलोड पहले करके इसको इम्पोर्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आएगा जो प्रोसेस मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले कैसे आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है और जो आपका बीट मैप प्रोजेक्ट है इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे गाइस आपका ये ओपन होगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो इंस्टाग्राम का साइज है ये साइज क्रिएट करके दिया हूँ। अगर आपको फुल स्क्रीन करना होगा तो आप इस पर क्लिक करके जो उस आपको साइज रखना चाहे आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये गाइस इंस्टाग्राम का साइज मैंने यहाँ पर क्रिएट करके आपको दिया हूँ। आगे गाइस आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको छोड़ कर नीचे आना, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अब गाइस यहाँ पर आपको इमेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपका जो अपना गैलरी इसको आपको ओपन कर लेना है। ये सब फोटो जो गणेश जी का आपको दिख रहा है ये आपको उससे हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी गाइस इसको कैसे वहां पर लगाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं गाइस इस फोटो को यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको शेयर पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर आपको जो पिक आर्ट है इसको आपको अपने पिक आर्ट्स में इस प्रकार से शेयर कर देना होगा, ठीक है। अब गाइस पिक आर्ट्स में शेयर करने के बाद आपको क्रॉप पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको क्रॉप बटन देखने को मिल जाएगा। फिर स्क्रॉल करके जब साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक स्टोरी साइज देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। आपको यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा साई कटे, इस पर साइड पर टिक करके आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। कम से कम गाइस आपको 8, 10 या 15 फोटो को भी आप यहाँ पर डाउनलोड इस प्रकार से कर लीजिएगा। ओनली 10 फोटो कर लेंगे तब बीच काम चल जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आपको क्या करना,
पड़ेगा अपना जो आपका अलाइट मोशन है इसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, अब गाइस ये जो इफेक्ट है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, तभी गाइस आपको जो इमेज दिख रहा है इमेज पे क्लिक कर देना और कलर एंड फिल पे जाना, इंस्टॉल आइकन पे इस प्रकार से क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर गाइस आपको अपने पिकार्ड्स में जो आपका फोटो आप ऐड किए थे इसको प्लस पे क्लिक करके इस प्रकार से ऐड कर देना है। ठीक है, तो गाइस जितने स्टेप मैं बता रहा हूँ सभी स्टेप को फॉलो करिए, बहुत ईजी स्टेप में आप बनाने वाले हैं। ठीक है, तभी गाइस आपको एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको देख मिल जाएगा दूसरा वाला इमेज, इस पर क्लिक करना है, कलर फिल पे क्लिक करना है, स्टॉल आइकन पे इस प्रकार से क्लिक करके कोई सेकंड फोटो आपको इस प्रकार से चूज कर लेना है। मैंने गाइस यहाँ पर ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखा है 10 फोटो। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हमने इस प्रकार से ऐड कर दिया। अब गाइस आगे आएंगे तो बीच में आपको एक खाली सा दिख रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा इफेक्ट लगेगा और इसके अंदर कौन सा आप फोटो लगाएंगे वो भी आपको बताने वाले हैं, तो गाइस इस वीडियो के एंड में बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब गाइस थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप क्रिएट हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब गाइस इस ग्रुप के अंदर फोटो कैसे लगाना है इस ग्रुप पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर गाइस कुछ प्रकार का आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इमेज इमेज पर क्लिक कर देना है और कलर एंड फिल पर क्लिक करने के बाद जो आपका 9-16 एसयू वाला जो फोटो था इस फोटो को इस प्रकार से क्लिक करके प्लस पर क्लिक करके इसको इस प्रकार सेट कर लेना है। अगर आप ऐसा भी फोटो लेना चाहते हो कमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, वहां से करके आप ले लीजिएगा। गाइस कलर फील्ड पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको इंस्टॉल आइकन पे इस प्रकार से क्लिक कर देना है। यहाँ पर गाइस आपको जितने इसमें आप देखेंगे इस प्रकार से आपको सभी पर आपको फोटो को ऐड करना होगा जो कि आपको 9-16 एसयू वाला फोटो है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो छोटा सा भी दिख रहा है, तो इसके अंदर भी आपको कलर फिल पर क्लिक करके आपको जो फोटो आप ऐड करना चाहे आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो गाइस हमारा जो फोटो है कुछ इस प्रकार से आपका ऐड हो चुका है। फिर गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको बैक कर लेना है। ठीक है, अब गाइस हम बैक कर लिए, आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से हमारा जो इस ग्रुप के अंदर फोटो लग चुका है फास्ट एनिमेशन के साथ है। ठीक है, अब गाइस ये हो चुका है, फिर आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये खाली जगह दिखेगा। तो गाइस मैं आपको वीडियो को एंड में बताऊंगा, तो वीडियो का एक बार स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो गाइस थोड़ा सा आगे आएंगे तो इस प्रकार से आपको ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है जैसे आप इस ग्रुप के अंदर फोटो ऐड किए हैं सेम टू सेम आपको इसके अंदर भी आपको फोटो को ऐड कर लेना है। गाइस आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से ये ग्रुप हो जाएगा, फिर आप आगे आएंगे तो आपको इस प्रकार से एक ग्रुप देखने को मिल जाएगा। फिर गाइस आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से ग्रुप जितने भी ग्रुप दिख रहे हैं इस ग्रुप के अंदर जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से एडिट ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको बताया था, सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको इसके अंदर जो ग्रुप है इसके अंदर फोटो आपको अटैच कर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब गाइस आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप क्रिएट हुआ दिखाई दे रहा है, फिर आगे आएंगे तो आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा ये वाला इफेक्ट। ठीक है, अब गाइस ये जो इफेक्ट है इसके अंदर आपको कैसे लगाना है, पहले वाले पे क्लिक करना है, कलर फिल पे क्लिक कर लेना है और जो आपका ऊपर में फोटो आप ऐड करेंगे जैसे मान लीजिए मैं इस फोटो को ऐड करूंगा। ठीक है, ये हमारा जो 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 फोटो हम ऊपर में लगाएंगे सेम फोटो आप नीचे भी वही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टॉल आइकन बटन पर क्लिक करके इस प्रकार से हम सेम टू सेम फोटो यहाँ पर ऐड कर दिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से हमने फोटो को ऐड कर दिया है जो कि बहुत ही यूनिक बहुत ही कमाल का लग रहा है। फिर कैसे आपको एरो पे क्लिक करना है इस प्रकार से आपको ग्रुप देखने को मिल जाता है, ये जो आपका ग्रुप है ये भी बहुत ही कमाल का एनिमेशन इस क्रिएट किया गया है। तो इसके अंदर आपको कैसे लगाना है, इस ग्रुप पर आपको क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर आपको क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से आपका एनिमेशन क्रिएट हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तभी गाइस यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर के यानी कि जो पहला नीचे वाला आपका नीचे से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ऊपर से भी कर सकते हैं, तो नीचे स्टार्ट करना है और कलर फिल पे क्लिक करना है, स्टॉल आइकन पे क्लिक कर देना है एंड गाइस यहाँ पर आपका जो फोटो शो वाला इस पर क्लिक करके प्लस पे आइकन पे क्लिक कर देना है। अब गाइस यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर जो पहला फोटो है जो पहला फोटो आप लगाएंगे वही फोटो आपको पूरा लास्ट तक लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं सभी पर आपको जो आप ये फोटो ऐड करेंगे सेम फोटो आपको वहाँ तक लगने वाला है, तो आप लोग गाइस ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर गाइस हम बैक कर लेते हैं, फिर आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा आगे आ जाना है। अब गाइस यहाँ पर जो ये इफेक्ट लगा देने के बाद थोड़ा सा आगे आएंगे तो इस प्रकार से ये जो आपका ग्रुप है इसके अंदर भी आपको सेम टू सेम वैसे ही करना है। आपको दिखा भी देते हैं कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस प्रकार का आपका क्रिएट हुआ दिखाई दे रहा है जो कि इसके अंदर भी एनिमेशन है और इफेक्ट है। ठीक है, तो आप गाइस फोटो ऐड कर लीजिएगा। फिर गाइस आप थोड़ा सा यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है जो कि आगे भी आपको ग्रुप देखने को मिल जाएगा और आगे इस सबको आपको नहीं छेड़ना है। ठीक है, फिर आप आगे आएंगे तो ये जो आपको इफेक्ट ग्रुप है इस ग्रुप के अंदर आपको अपना फोटो ऐड करना है यानी कि जो श्री गणेश जी का फोटो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। फिर आप गाइस आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ खाली जगह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फोटो लगाना है कौन सा इफेक्ट लगेगा वो भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस बने रहिए वीडियो में एंड तक। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, अब गाइस यहाँ पर जो खाली जगह बचा है, ठीक है, अब गाइस नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फोटो ऐड करने के बाद ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको फोटो को इस प्रकार से ऐड कर लेना है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर आपको जो फोटो हम यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर गाइस यहाँ से लेकर के अब गाइस आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और भी खाली जगह है, तो यहाँ पर भी हम फोटो को ऐड कर लेते हैं फटाफट से। गाइस आप यहाँ पर भी हम फोटो को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अभी गाइस ये हमारा हो जाएगा, फिर आप आगे आएंगे नीचे करके आप देखो आपको नीचे स्क्रॉल करके देखना है। ठीक है, फिर आपको एक और खाली जगह दिख रहा है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर आपको कम से कम 7-8 जगह ऐसा होगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ऐड करना है, बचे भाग को हम इस प्रकार से कट भी कर लेंगे। ठीक है,
तो गाइस यहाँ पर आप देखते हैं मतलब पहला हो गया, तीसरा हो गया, आप यहाँ पर गाइस अब आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको चार हो गया, अब गाइस पाँच हो जाएगा, फिर आप आगे आएंगे तो आपको कुछ देखने को मिलेगा छः, ठीक है, और गाइस आगे और आएंगे थोड़ा सा आपको एक और देखने को मिल जाएगा सात, ठीक है। तो गाइस टोटल हमारा सात जगह खाली है। अब गाइस यहाँ पर हम फोटो तो ऐड कर दिए हैं, अब इस पर इफेक्ट कौन सा लगेगा, ठीक है। तो गाइस इफेक्ट लगाने के लिए आपको बैक कर लेना और आपको देखने को मिल जाएगा एक प्रोजेक्ट चेक इफेक्ट। तो अब गाइस जो हमारा ये जो इफेक्ट इस पर क्लिक कर देंगे और इफेक्ट पर क्लिक करके इस प्रकार से कॉपी इफेक्ट कर लेंगे और गाइस हमारा जो बीट मार्क इसको हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस बीट मार्क पे क्लिक करने के बाद आपको जो ये खाली जगह आपको जो फोटो आप अभी ऐड किए हैं जो कि कोई एनिमेशन नहीं है तो इस पर क्लिक कर देना, इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर हम इसी इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे जो कि बहुत ही कमाल का एनिमेशन है। अब गाइस सात जगह पे खाली जगह पे हमने फोटो लगाया था तो सभी पर हम यहाँ पर जितने फोटो ऐड किए थे इसके अंदर हम यहाँ पर इफेक्ट को ऐड कर देंगे। अब गाइस बात आती है कि हमारी जो वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गैलरी में सेव करना होगा। तो गैलरी में सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग के बगल में बॉक्स पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट करके इसे आप अपने गैलरी में बहुत ही आसानी से सेव कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं किसी और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।